अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम समरा अब्दुल एंड इट्स बीएस मैथ सेकंड सेमेस्टर क्लास। द सब्जेक्ट इज़ कैलकुलस टू। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। लास्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें एक सपोजिशन यूज़ की थी मैंने, और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जी, तो ये सपोजिशन थी लेट एक्स इज़ जी इज़ इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाई टू। ठीक है, ये सपोजिशन है। उसके बाद इस सपोजिशन से कैसे रिजल्ट्स आते हैं ये एक्सप्लेन किया है स्लाइड में मैंने, लेकिन आप के लिए एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी लेंथी होता है, तो उसमें आप डायरेक्ट रिजल्ट्स भी लिखेंगे तो भी ठीक है। जो रेड बॉक्स में आपके पास रिजल्ट्स हैं आप चाहे इन्हें याद कर लें, ठीक है, और जस्ट इन्हीं को यूज़ करें क्वेश्चन में जब भी आपको ये सपोजिशन करने की ज़रूरत पड़े, या आप लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके लिए मैंने स्लाइड प्रिपेयर की है। तो लेट z इज़ इक्वल टू टेंजेंट x बाई टू, ये सपोजिशन आपने की, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो dz इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, सीकेंट स्क्वायर x बाई टू, साथ एंगल का डेरिवेटिव 1/2 और साथ डी एक्स, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेने से। सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू कैन बी रिटन एज 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा जा सकता है। तो अब आप इसमें टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या मतलब, जी स्क्वायर, तो 2dz इज़ इक्वल टू 1 + जी स्क्वायर डी एक्स। तो डी एक्स किसके इक्वल आ गया, इसके। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लेट z इज़ इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाई टू लिखने के बाद डी एक्स इज़ इक्वल टू दिस ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन में अगर कोज एक्स है तो कोज एक्स इज़ इक्वल टू किसके होता है, 1 - जी स्क्वायर और 1 + जी स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन ये कैसे आता है, ये कोज एक्स कैन बी रिटन एज कोज स्क्वायर एक्स बाई टू - साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल फार्मूला। तो नीचे कोज स्क्वायर एक्स बाई टू + साइन स्क्वायर एक्स बाई टू भी लिखा जा सकता है क्योंकि इक्वल टू 1 ही होता है। डिवाइडिंग विद कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड कर सकते हैं, इससे फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर आपके पास ये आ जाएगी फ्रैक्शन आपकी, ये बन जाएगी 1 - टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू एंड इट इज़ इक्वल टू दिस। इसी तरह ये साइन एक्स को भी एक्सप्लेन किया है कि साइन एक्स किस तरह इसके इक्वल आता है। तो ये एक सपोजिशन है। कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो इसी जो सपोजिशन है उससे सॉल्व होते हैं। उनमें एक क्वेश्चन है इस तरह से डी एक्स, एक तो कल किया था आप लोगों ने 5 + 3 कोज एक्स, और एक ये, ठीक है, इस फॉर्म का क्वेश्चन। ए और बी की जगह कोई नंबर्स भी आ सकते हैं या आप इसी ए प्लस बी भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको यही सपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, बल्कि बुक में भी ये जो सपोजिशन जहाँ पर है वहाँ पर एक यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन के नाम से ये दी गई है। इसके अलावा क्वेश्चन है डी एक्स ओवर 1 + साइन एक्स, अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो भी ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें आप। आपको साइन एक्स की वैल्यू पता है, डी एक्स की वैल्यू क्या पता है, तो इस सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 - साइन एक्स ओवर 1 + कोज एक्स डी एक्स। ये जो तीन क्वेश्चंस अभी मैंने लिखे हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इन्हें खुद सॉल्व करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और हिंट इसके लिए ये है कि जो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको भी करवाई है ये इसी की हेल्प से सॉल्व होंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया कि ये क्वेश्चंस
क्योंकि अगर आप वैसे इसकी इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगी, ये इसी सब्स्टिट्यूशन से इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो आप ये रिजल्ट्स जो हैं कैसे ये ड्राइव किए जाते हैं ये भी आपने सीख लिया, लेकिन ये एज सच आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होते, ये लिखना करना ज़रूरी नहीं होते, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट्स याद करें और उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करें। जी, आज का क्वेश्चन ये है कि 0π/2 साइन अंडर रूट साइन एक्स है ओवर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4। इसका आंसर π/4 है, ये आपने शो करना है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें, 0 से π/2 और आपने इसको लिख लिया। अब डेफिनेट इंटीग्रल का जो फोर्थ थ्योरम था, जो मैंने आपसे कहा था कि इस थ्योरम की हेल्प से बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे, वो क्या है कि हम वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे पावर माइनस वेरिएबल से, और ऐसा हो सकता है, ये प्रूव किया हुआ है हम लोगों ने। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इंटीग्रल कैन बी रिटन एज साइन π/2 माइनस एक्स, और नीचे भी साइन π/2 माइनस एक्स और कोस π/2 माइनस एक्स। ये क्या आपके आगे अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स अगर आपको याद हो तो अगर आपके पास है कोस π/2 माइनस एक्स, π/2 या इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 अगर इन्वॉल्व होते हैं एंगल के साथ, यानी π/2 माइनस एंगल या 3π/2 माइनस एंगल या 5π/2 माइनस एंगल, इस तरह से अगर आपके पास आता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो कोस है ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस ये रेशियो जो है अपनी को रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी। कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और फिर ये π/2 माइनस एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम एक्स लिखेंगे, इसके साथ साइन कौन सा आना है यानी ये पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है ये डिपेंड करता है कि ये आपका एंगल कहाँ पे लाई करता है, और उस एंगल जगह पे क्वाड्रेंट में ये रेशो जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आपको पता ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेंजेंट और यहाँ पर कोस, ठीक है, ASTC इस तरह से इसको याद करते हैं। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है, π/2 माइनस एक्स का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि सारे ही पॉजिटिव होते हैं इसलिए कोस π/2 माइनस एक्स किस में चेंज होगा, साइन एक्स में, इसी तरह साइन π/2 माइनस एक्स किस में चेंज होगा, कोस एक्स में, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब ये भी आई है और ये भी आई है, तो i+i इज़ इक्वल टू 2i, 2i को कंसिडर करें और एक i ये वाला लिखें और एक i ये वाला लिख दें, दोनों को ऐड कर दिया हमने तो 2i इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 से π/2 dx, क्योंकि जब हम इन्हें ऐड करेंगे डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो ये कैंसलेशन हो जाएगी और ये आपके पास इसका इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा, एक्स के, एक्स की लिमिट क्या है 0 से π/2, लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू π/2, और ये जो इस साइड वाला 2 है 2i वाला ये इधर आके π/4 इसको बना देगा, और यही आपका क्वेश्चन था, आपने प्रूव करना था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से 1 तक लिमिट है, टेंजेंट इनवर्स 2x-1 ओवर 1+x-x²dx। टेंजेंट का इनवर्स है, आगे एंगल भी जो है वो फ्रैक्शनल है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हम फोर्थ थ्योरम जो है इंटीग्रेशन का वो यूज़ करेंगे, एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे 1-x, क्योंकि अपर लिमिट 1 है ना 0 से 1 तक। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि ये लिमिट जो होगी
ये जो लिमिट है वो ज़ीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, इसकी लोअर लिमिट ज़ीरो हो, तो आप ये वाला थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो से वन है लिमिट, तो हम एक्स की जगह पर वन माइनस एक्स पुट कर देंगे, और ये देखें, फिर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, टू इंटू वन माइनस एक्स माइनस वन, वन प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर को ओपन किया, ब्रैकेट्स ओपन की और इसको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स माइनस टू एक्स प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अब टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट थीटा के। टेंजेंट ऑफ ये ओड फंक्शन होता है टेंजेंट थीटा, और इसमें से माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, इसे ओड फंक्शन कहा जाता है। तो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, तो इसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर आपने माइनस जो है वो यहाँ पर बाहर लिख दिया, और अंदर आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स टू एक्स माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अगेन अब इसमें ये कौन सा इंटीग्रल बन गया, ये गौर करें, ये ऊपर वाला ही नहीं इंटीग्रल बन गया जो आपके क्वेश्चन में था, तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया, तो आई इज़ इक्वल टू माइनस आई, इट मीन्स टू आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लिमिट है माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर, टू एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डी एक्स। अब अगर इसमें भी हम फोर्थ थ्योरम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन दो किए सॉल्व, अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट माइनस पाई बाय फोर है, और हमें कौन सी लिमिट चाहिए, ज़ीरो से स्टार्ट होनी चाहिए लिमिट, तो ज़ीरो क्योंकि माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के दरमियान में आता है, इसलिए थ्योरम है डेफिनेट इंटीग्रल का, उसके थ्रू हम जो है इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं लिमिट्स को। तो एक लिमिट आपकी आ गई माइनस पाई बाय फोर से ज़ीरो, और दूसरी लिमिट आ गई आपकी ज़ीरो से पाई बाय फोर। नाउ पुट इन फर्स्ट इंटीग्रल एक्स इज इक्वल टू माइनस जी, ये सपोजिशन करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जी आ गया, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जी अप्रोचेस टू ज़ीरो आ गया, तो आपकी एक्स की जगह जस्ट माइनस जी पुट किया है और उससे आपकी लिमिट चेंज हुई है, माइनस का साइन आ गया है बाहर, और आपका जो इंटीग्रल है वो आ गया, उसे आपने जी की फॉर्म में ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस ज़ीरो टू पाई बाई फोर माइनस टू जी थ्री माइनस जी ओवर जी स्क्वायर प्लस वन जी प्लस वन माइनस जी माइनस वन, ये जो आपके माइनस कॉम आए हैं उनको आपने सॉल्व करके बाहर लिख दिया, और अब उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जी को एक्स से रिप्लेस कर देना है, वापस जी को अब एक्स से रिप्लेस करना है, माइनस एक्स से नहीं, एक्स से रिप्लेस कर देना है, जस्ट जी में है ना, जी वेरिएबल है, आपने उसकी जगह एक्स लिख देना है। जब आप एक्स की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये माइनस आई बन गया है आपके पास, तो अगर ये माइनस आई इज़ इक्वल टू माइनस आई आ गया तो इट मीन्स ये ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो इसको सॉल्व करके ज़ीरो आंसर आ गया, तो आई का आंसर आपके पास क्या आया, ज़ीरो, राइट। तो जस्ट इसमें एक चीज़ की गई है कि दो इंटेग्रल्स में इसको ब्रेक करके आपने दूसरे इंटेग्रल को नहीं छेड़ा, पहले इंटेग्रल में क्योंकि उसकी लिमिट थी माइनस पाई बाय फोर से ज़ीरो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने एक्स इज इक्वल टू माइनस जी पुट किया, जब आपने सिंप्लीफाई करके आपको पता चला कि एक माइनस का साइन सिर्फ बाहर आ रहा है, बाकी माइनस के साइन ख़त्म हो रहे हैं, तो जी की जगह एक्स लिख दिया।
तो जब आपने, क्योंकि चेंज कोई नहीं किया, z की जगह x लिखा, तो फिर आपने देखा कि आपके दोनों इंटेग्रल्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सेम ही है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 0 से पाई बाय 2 लॉग नेचुरल टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें फोर्थ थ्योरम जो है डेफिनेट इंटीग्रल का वो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। आंसर आपको पता है कि आपने 0 फाइंड आएगा इसका आंसर। कंसिडर द इंटीग्रल या कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड 0 से पाई बाय 2 लॉग नेचुरल, और टेंजेंट एक्स को लिखते हैं साइन एक्स ओवर कोज एक्स, लिखा जा सकता है साइन एक्स ओवर कोज एक्स के इक्वल होता है, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको अलग अलग करके लिखते हैं। लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शन जो है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है डिफरेंस की फॉर्म में, लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कोज एक्स, फिर आप इंटेग्रल्स को सेपरेट कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोनों में से किसी एक इंटेग्रल में आप वो फोर्थ थ्योरम यूज़ करें, यानी एक्स की जगह पर पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखें। अगर दोनों पे यूज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका दोबारा वही इंटीग्रल आ जाएगा। उस अगर आप किसी एक पे यूज़ करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोज एक्स की जगह पर लिखा गया है कोज पाई बाय 2 माइनस एक्स, अलाइड एंगल्स अभी एक्सप्लेन किया क्या होते हैं, तो कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आपके सेम इंटेग्रल्स बन के विद नेगेटिव साइन। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसमें वही थ्योरम यूज़ होना है, ये आप देख लें और इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। जी नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स कन्वर्ज इवेल्यूएट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल यानी जिसका इंटरवल जो है उसमें इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, यानी जिसकी लिमिट्स जो हैं उसमें इन्फिनिटी हो, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी या दोनों, अगर उसकी लिमिट्स इन्फिनिट हैं तो हम कहते हैं ऐसे इंटेग्रल्स को इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स, राइट। एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर किसी इंटरवल में, यानी इंटरवल आपका इन्फिनिट नहीं है लेकिन उस इंटरवल में आपका फंक्शन इन्फिनिट हो जाता है, जैसे -1 से 1 इंटरवल है और 1/x है, अब 1/x जो है वो 0 पे इन्फिनिट हो जाता है, हालांकि 0 जो है वो इन्फिनिट तो नहीं है इंटरवल, लेकिन फंक्शन वहाँ पे इन्फिनिट हो जाता है, ऐसी सूरत में भी हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल में और प्रॉपर इंटेग्रल में कुछ सॉल्व करने में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, जस्ट इसमें सिर्फ ये कर देते हैं कि इन्फिनिटी की जगह टी पुट करके आपने उसको सॉल्व कर देना है। कन्वर्ज का मतलब क्या है, कन्वर्ज का मतलब ये है कि जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा आपका, क्या उसे सॉल्व करके अगर कोई डेफिनेट आंसर आ जाता है कोई भी नंबर तो हम कहते हैं कि वो कन्वर्ज करता है, अगर उसका आंसर इन्फिनिटी आता है तो हम कहते हैं डाइवर्ज करता है, राइट। तो जस्ट सिर्फ ये चीज़ है कि इन्फिनिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और रूल्स कोई नए नहीं आए। तो 0 से इन्फिनिटी आपका पहला क्वेश्चन है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तक इंटेग्रल है इट मीन्स ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, इन्फिनिटी की जगह टी लिख दें, वेयर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 0 से टी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का इंटेग्रल क्या आता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स पुट की, e की पावर माइनस टी माइनस इंटू -1 तो वो +1 हो जाएगा, तो अब माइनस ई की पावर माइनस टी +1,
ये इसके इक्वल आ गया, वेयर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब आपने टी की जगह इन्फिनिटी पुट करके चेक करना है कि आपका आंसर क्या आता है। उसके लिए ई की पावर माइनस टी कैन बी रिटन एज 1/e^t, और जब उसमें आप इन्फिनिटी पुट करेंगे, ई की पावर इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इन्फिनिटी, तो 1/∞ का आंसर क्या होता है, 0, 0 + 1, 1, सो द इंटेग्रल कन्वर्जेस। इन क्वेश्चंस में बाकी इंटीग्रेशन के तो नए रूल्स नहीं हैं, लेकिन लिमिट्स वाले जो क्वेश्चंस आपने किए थे लास्ट सेमेस्टर में, उनके कुछ रूल्स यूज़ होंगे। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो डी एक्स ओवर 1 + x² अगेन इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, आपने चेक करना है ये कन्वर्ज करता है या नहीं। उसके लिए अब देखें, इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी को इन्फिनिटी ही लिखा रहने दिया, आप इस तरह भी लिखा रहने दे सकते हैं और टी से रिप्लेस भी कर दे सकते हैं, ठीक है। और डी एक्स ओवर 1 + x², इसका इंटेग्रल आप जानते हैं, टेंजेंट इन्वर्स x है क्लियरली, तो टेंजेंट इन्वर्स x है इसका इंटेग्रल, उस पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इंटेग्रल ऑफ टी टू ज़ीरो डी एक्स ओवर 1 + x² लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इंटेग्रल की जगह पे उसका आंसर लिख दिया आपने माइनस टेंजेंट इन्वर्स टी ये माइनस बाहर आ गया लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टेंजेंट इन्वर्स टी और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है माइनस पाई बाय 2 के, और जो बाहर माइनस था वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आंसर आ गया पाई बाय 2। ये जो यहाँ पर माइनस है ये किस वजह से आया है, ये जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट इन्वर्स 0 माइनस टेंजेंट इन्वर्स टी आना है, और टेंजेंट इन्वर्स 0 0 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया और कोई रीज़न नहीं है इसकी, तो आपका आंसर पाई बाय 2 आ गया, सो द गिवन इंटरवल कन्वर्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ीरो से 1 डी एक्स ओवर एक्स। अब इसका जो लिमिट है वो तो इन्फिनिट नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़ीरो पे आपका फंक्शन जो है इन्फिनिट हो जाता है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो 0 से 1 डी एक्स ओवर एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट, अब जहाँ पर वो ज़ीरो जहाँ पर फंक्शन आपका इन्फिनिट होगा उस पॉइंट को आपने टी के इक्वल सपोज कर लेना है, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो टी से 1 तक डी एक्स ओवर एक्स, डी एक्स ओवर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है लॉग नेचुरल एक्स, ठीक है, उस पर लिमिट अप्लाई कर दी लॉग नेचुरल 1 माइनस लॉग नेचुरल टी। अब लॉग नेचुरल टी जो है यानी लॉग नेचुरल 0 क्या होता है, वो भी इन्फिनिटी ही होता है, सो दैट इज़ वाई इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया, दस द गिवन इंटरवल डाइवर्जेस। अगर आंसर आपका इन्फिनिट आ जाता है तो डाइवर्ज होता है इंटेग्रल, अगर कोई नंबर आ जाता है तो कन्वर्ज होता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 1 डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x². ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, यानी सिंपल सी इंटीग्रेशन है डायरेक्ट, और इसमें आपने कोई ऐसे सपोजिशन करके भी नहीं दिखानी, जैसे क्वेश्चन जब आपने पहले किए थे तो आपने x इज़ इक्वल टू साइन थीटा की सपोजिशन करके दिखाई थी, आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस का पेपर लेंथी है तो अगर क्वेश्चन के मार्क्स कम हैं तो आपने डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखते हैं अगर आपको आते हैं ज़ुबानी तो, और अगर क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा है, मतलब जैसे क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाता है, तो फिर आप वही वाला मेथड यूज़ करेंगे जो आपने पहले किया था, एक्स की जगह सपोज करेंगे साइन थीटा और फिर इसको सॉल्व करें,
ठीक है, तो फिर आपका फाइनल आंसर साइन इनवर्स एक्स आएगा। अगर मार्क्स इसके कम है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो फिर आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, ठीक है। इवन 3 मार्क्स का तो भी आप ऐसे ही कर दें। हाँ, अगर 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ होना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए। हो सकता है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप इसमें जो है वो सपोजिशंस इसको प्रॉपर सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन 3 या 2 मार्क्स का है, तो इसको ऐसे ही आपने सॉल्व कर देना कि आपको रिजल्ट आता है जुबानी डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आंसर है वो साइन इनवर्स एक्स है। अगेन यहाँ पर 1 पे, क्योंकि आपका इंटीग्रेंट जो है वो 0 होगा, 1 ओवर 0 यानी इन्फिनिटी, तो आपने 1 को जो है वो टी के इक्वल सपोज करना है, यानी टी अप्रोचेस टू 1, और फिर इंटीग्रेशन करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। अब साइन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, सॉरी साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2 के इक्वल, साइन इनवर्स 0 होता है 0 के इक्वल। आपका आंसर पाई बाय 2 आ गया, एक प्रॉपर आंसर आपका आ गया आपका डेफिनेट। तो इसका मतलब आपका जो इंटेग्रल है वो कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से π/2 कोज एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये भी बहुत सिंपल साइन, साथ साथ आपकी इंटीग्रेशन की भी रिवीजन होती जा रही है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स पाई बाय 2 पे 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो इसका मतलब पाई बाय 2 पे आपका जो फंक्शन है, इंटेग्रेंट है, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इट मीन्स हमें टी अप्रोचेस टू पाई बाय 2 लेना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है आप लोगों का, होप सो हो गया होगा। मैंने बहुत डिटेल से बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने टी अप्रोचेस टू कौन सा नंबर लेना है, अगर इन्फिनिटी इंटरवल में नहीं है, आपने वो नंबर लेना है जहाँ पर आपका जो इंटेग्रेंट है, ये वाला इंटीग्रेशन के अंदर वाला जो फंक्शन है, जहाँ पर ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, वहाँ पर ही उस पॉइंट को ही आपने टी अप्रोचेस टू पाई बाय 2 यहाँ पर ही लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर टी अप्रोचेस टू पाई बाय 2 है, तो ये आपका इंटीग्रेट जो है वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या आप इसको इज इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये इंटेग्रेंट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा जिस पॉइंट पे, अब वो पाई बाय 2 पे है, तो उस पॉइंट को ही आपने टी अप्रोचेस टू लेना है। अगर ऐसा सच नहीं है, तो फिर आपका जैसे पहले आपने पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, वैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन एक्स की पावर -1/2 और साथ साइन एक्स का डेरीवेटिव मौजूद है -cos x, पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल लगाने के बाद आपने उसमें लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आपने चेक करना है कि आपका आंसर जो है वो कि डेफिनेट आंसर आ रहा है या नहीं। तो डेफिनेट आंसर आ रहा है, विच इज़ 2, सो द गिवन इंटरवल कन्वर्जेस। अगेन एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोस 5x dx। अब इसमें लिमिट नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन नहीं है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है, कोस 5x की जगह आप उसको कोस स्क्वायर एक्स और कोस क्यूब एक्स लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स, विच इज़ सीकेंट स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर को लिखा जा सकता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और आई इज़ इक्वल टू सीकेंट 5x डी एक्स माइनस सीकेंट 3x डी एक्स आ जाएगा। नाउ बाय रिडक्शन फार्मूला, ये रिडक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाना था, इसलिए करवा दिया। आपने सेकंड ईयर में भी रिडक्शन फार्मूला क्या हुआ है, उसके अलावा जो आप SM यूसुफ की अगर बुक को फॉलो करेंगे, तो 4th चैप्टर में भी रिडक्शन फार्मूला है। अगर आप थॉमस की बुक को फॉलो करेंगे, उसके डिफरेंट एडिशंस में डिफरेंट चैप्टर्स है, लेकिन जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है उसमें भी रिडक्शन फार्मूला है, तो ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। रिडक्शन फार्मूला कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, दैट्स इट। तो सीकेंट, नाउ बाय रिडक्शन फार्मूला, सीकेंट 5x dx इज इक्वल टू
सीकेंट 3x टेंजेंट x ओवर 4 प्लस 3/4 सीकेंट क्यूब x dx एंड इट इज़ इक्वल टू सीकेंट क्यूब x टेंजेंट x 4x प्लस 3/4 सीकेंट क्यूब x dx। अब पहले सीकेंट 5x को कंसिडर किया, सीकेंट 5x को आपने लिखा, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कम है, सीकेंट 5x को आपने लिखा सीकेंट क्यूब एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए आपने जो आंसर निकाला, यहाँ पर इसको दोबारा से आपका जो इंटीग्रल था इसमें सीकेंट 5x की जगह पे पुट कर दिया, फिर उसके बाद आपके जो सेम टर्म्स थी उनको ऐड करके लिख दिया और ये आपके पास आंसर आ गया। तो अगेन सीकेंट क्यूब एक्स जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। और रिडक्शन फार्मूला यही है, रिडक्शन फार्मूले में ज्योमेट्रिक फंक्शन की पावर्स आती हैं, उन पावर्स को आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि एक आपके पास डेरिवेटिव रह जाए और बाकी पावर की फॉर्म में रह जाए, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए आपने सॉल्व करना है सारी रेशियोज। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, और उसके अलावा जो 4.6 एक्सरसाइज है एसएम यूसुफ की, और उसके अलावा थॉमस की बुक में भी जो है रिडक्शन फार्मूला प्रेजेंट है, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंटीग्रेशन जो है वो आपकी टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन भी हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी हो गया। अब इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं जिसमें रेमन सम है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।